हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये वीडियो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो लोग एसएससी सीजल 2024 का टीयर वन एग्जामिशन अभी दिए हैं या फिर देने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से ये वीडियो देखिएगा और जो भी चीज़ें मैं कहूँगा उस चीज़ को बहुत ही ध्यानपूर्वक अप्लाई करने की कोशिश करिएगा और एक बार एनालाइज करिएगा कि क्या ये चीज़ें सही हैं या फिर गलत। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूँ कि एसएससी सीजल 2024 टीयर वन एग्जामिशन चल रहा है और मे बी कल परसों में पेपर कंप्लीट हो जाएगा, 2 से 3 दिन बाद उसकी आंसर की आ जाएगी। ठीक है, और 30 तारीख से जो है एसएससी एमटीएल 2024 का एग्जामिशन स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए, इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अभी मुझे काफ़ी सारे कमेंट कर रहे हैं कि मेरा इतने स्कोर बनना है, इस कैटेगरी से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरा फर्स्ट डे मतलब इस तारीख को एग्ज़ाम था, इस शिफ्ट में था, क्या मेरा हो पाएगा या फिर नहीं। देखिए, मैंने बार बार आप सभी से कहा है कि देखिए, एक गलती आप सभी बिल्कुल मत करिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि किसी को ये नहीं पता कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। ठीक है, लेकिन एक सब लोग एक रफ एस्टिमेट लगाते हैं कि हाँ ये चीज़ें जा सकती हैं अभी के भी आप पर। हालांकि जब आंसर की आ जाएगी तो एक डाटा मिलेगा जो रैंक मित्रा या फिर जो भी रैंक प्रिडिक्टर वाले हैं या फिर जो कुछ चैनल सर्वे कराएंगे तो उसके थ्रू एक डाटा मिलेगा कि फला डेट की फला शिफ्ट जो है टफ थी या फिर एवरेज स्कोर सारे शिफ्ट के ये बन रहे हैं, तो इस हिसाब से ये कट ऑफ जा सकती है। उसके 2-4-5 नंबर ऊपर नीचे कट ऑफ रहती है। ठीक है, अब देखिए, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि पेपर बहुत टफ है या फिर काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बोल रहे हैं पेपर बहुत ईजी है। ये देखिए, कोई डिसाइड अभी फ़िलहाल के कंडीशन में नहीं कर सकता है कि पेपर टफ है या फिर ईजी है। क्यों? क्योंकि देखिए, सब लोग पेपर दे के आए हैं तो सबको कहीं ना कहीं लगता है कि मेरी शिफ्ट आसान थी या फिर मेरे में रीजनिंग आसान थी, जीएस टफ कर दी गई थी या फिर मैथ कैलकुलेटिव कर दी गई थी तो जीएस आसान थी, इस तरह चीज़ें चलेंगी। ठीक है, लेकिन अब देखिए, एक जेन्युइन कैंडिडेट्स जो होगा ना, जिसको देखिए, एक होता है कि पेपर देने के बाद लगभग लोग पता चल जाता है कि मेरे इतने स्कोर बनना है। ठीक है, नियर अबाउट, क्योंकि उसके हिसाब से, क्योंकि आप कैसे प्रेडिक्ट करते हो, जैसे आप मॉक टेस्ट दे रहे थे तो मॉक टेस्ट में एक होता है कि आप जब देते होंगे तो उसमें परसेंटाइल और परसेंटेज दोनों देता है। ठीक है, तो परसेंटाइल तो छोड़िए, लेकिन आपकी एक्यूरेसी वहाँ पे देता है कि आप इतने एक्यूरेसी, किसी की 60% एक्यूरेसी होगी एवरेज में, किसी की 70%। आप पिछले 3-4 टेस्ट के उठा के, 5 टेस्ट के उठा के देख लीजिए कि आपकी एक एवरेज एक्यूरेसी क्या बन रही है। उस भी आप पे आपने जितने क्वेश्चन किए होंगे उस एक्यूरेसी के हिसाब से मान के चलिए कि ये मेरे इतने स्कोर आ जाएंगे। ठीक है, मैंने आपसे को पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, 125 से 130 अगर आपके स्कोर बनना है, ठीक है, यानी कि 130 से 135 मान लीजिए, चलिए बहुत अगर आप ऊपर जाना चाह रहे हैं तो 130 से 35 अगर आपके स्कोर बनना है रॉ मार्क्स में, तो आप अपने मेंस के जो स्टार्ट जो है कर दिए प्रिपरेशन। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो मैंने बोला 125 से 130, ईडब्ल्यूएस से 125 से 130, अगर आप एससी कैटेगरी के हैं तो 110 से लेकर 115 अगर आपके बन रहे हैं या फिर 105 के आसपास भी अगर बन रहे हैं तो आप मेंस की मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए। अगर उसी जगह एसटी कैटेगरी में हैं तो आप अगर 95 से 100 105 के बीच में हैं तो फिर आप मेंस की तैयारी करिए। बाकी जो भी कैटेगरी हैं, आप पिछले 2023 का कट ऑफ उठाक देखिए, 2022 का कट ऑफ उठाक देखिए या फिर 2021 का कट ऑफ उठाक देख लिए, उसमें आप यूआर कैटेगरी से आप जितने भी नंबर कम हैं, ठीक है, उन कट ऑफ में, ठीक है, आप अपने जो भी मैंने जो बताया कि क्या नाम है कि 130-135 अगर आपके यूआर कैटेगरी से हैं तो उस हिसाब से आप उसमें घटा लीजिए अपने कि इतने नंबर मेरे कम थे तो यहाँ पर भी इतने नंबर कम होने वाले हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी मेंस की एक आइडिया लगा सकते हैं कि क्या मेरा इतना स्कोर बन जाएगा तो मैं मेंस के लिए इस कैटेगरी क्राइटेरिया में फिक्स हो रहा हूँ या फिर नहीं। ये तो हो गई कट ऑफ की बात। ठीक है, हालांकि एक रफ एस्टिमेट है, जो भी चीज़ें होंगी वो 26 तारीख के बाद ही क्लियर होने वाली हैं, चूँकि 26 नहीं, उसके बाद जब आंसर किया जाएगा तभी उसके बाद क्लियर होने वाली है। तो देखिए, एक जेन्युइन कैंडिडेट जो होगा उसने ये चीज़ आइडिया लगा लिया होगा कि मेरे इतने बनने वाले हैं, मेरे इतने बन जाएंगे, और मेंस की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, मेंस की प्रिपरेशन इसलिए स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि आपको 1.5 से 2 महीने का टाइम मिलेगा। जिस दिन लास्ट एग्जाम होता है उसके लगभग 50 से 55 दिन के आसपास जो है रिजल्ट आपका टीयर वन का आ जाता है, और टीयर वन का जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन से आप मान के चलिए 25 दिन या फिर 30 दिन आपको मेंस के लिए मिलता है। तो नियर अबाउट आपको 2 से 2.5 महीने मिलने वाले हैं आपको मेंस के लिए। अगर आप 26 तारीख को लास्ट पेपर है तो 2.5 महीने या फिर 2 महीने मान के चलिए कि आपका अगला मेंस का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। 1 दिन 2-3 पेपर होगा, उसके बाद आप क्या करोगे कि जैसे कि आप काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे हो, ठीक है, फिर भी आप जब मेंस की प्री की एग्जामिशन देने गए हो तो मुझे लगा कि आपको ये लगा कि मेरे ये चैप्टर तैयार नहीं है, ये चैप्टर तैयार नहीं है तो मैं क्या करूं। अब उसी जगह आप किसी तरीके से आप मान लीजिए कि प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई हो जाता है तो आप मेंस में क्या करोगे। ठीक है, तो इसलिए आप इस चीज़ में टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करो कि मेरे इतने बनना है, मैं फला कैटेगरी से हूँ, मैं पास होऊंगा या मैं फेल होऊंगा। आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। अब देखिए, आप इससे अगर देखिए, सपोज करिए आपने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है,
बाय द वे आप बॉर्डर पे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए 133 नंबर कटा गई तो 133 नंबर ही आपके हैं, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई तो हो, ठीक है। आपको ये भी पता होगा कि प्रीलिम्स का जो है स्कोर जो है मेंस में जो मतलब फाइनल मेरिट में नहीं कैलकुलेट की जाएगी। तो आप चाहे बॉर्डर पे पास हो, चाहे 10 नंबर ऊपर हो के पास हो, चाहे 20 नंबर ऊपर हो के पास हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। बट ये कि आपको अपनी मेंस की स्ट्रेटजी आप अभी से बना लो और उसी हिसाब से आप अपने आप को रूटीन में ला लोगे तो आपको मेंस में फ़ायदा हो जाएगा। एक बात के मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई एक टॉपर बच्चा है, मतलब कि एक अच्छा स्टूडेंट है और एक एवरेज स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट ने अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है और एक जो एक अच्छा स्टूडेंट है वो अपना तैयारी तब से शुरू करेगा जब उसको लगेगा कि क्या नाम कि मेरा लिस्ट में नाम आ गया। लेकिन एक मैं सही बात बताऊँ, जो स्टूडेंट अच्छा होगा, अच्छे कैटेगरी में होगा, वो अपनी मेंस की तैयारी अभी से जिस दिन पेपर दे के आया होगा ना उसी दिन से लग गया होगा। तो अगर आप मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए एक अच्छा स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है कि जिस दिन रिजल्ट आता है और एक एवरेज स्टूडेंट जो है अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर देता है, तो ये जो गैप होगा ना यहाँ से लेकर रिजल्ट आने तक का, इसमें वो उसके लगभग लगभग में बराबर पहुँच चुका होगा, तो यहाँ पे उसको बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे इसे बार बार कह रहा हूँ कि ये गलती आप बिल्कुल भी मत करिए कि आप अभी निश्चिंत होकर बैठे हैं कि मेरा पता नहीं होगा या फिर नहीं होगा, तो जब रिजल्ट आएगा उसके बाद मैं अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा। तो ऐसी गलती मैंने एक बार की है, ठीक है। तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत करिए। आप किसी भी तरीके से अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाते हो तो आपको मेंस में एक ही मौका मिलेगा और अच्छी वैकेंसी है इस बार, तो इसको हाथ से बिल्कुल जाने मत दीजिए। तो कुल मिला के आप सभी कैंडिडेट से मैं ये वीडियो मैं इसलिए बनाया हूँ क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट मुझे देखने को मिले कि मैं फला कैटेगरी से हूँ, मेरा फला डे एग्ज़ाम था और मेरे इतने स्कोर बन रहे हैं, क्या मैं हो पास हो जाऊँगा या फिर नहीं, तो मुझे मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको समराइज करके बता रहा हूँ कि देखिए, एक कंडीशन तो ये होगी कि आप मालिक किसी तरह से आप पास होते, एक कंडीशन ये है माली वर्स केस में कि आप माली प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो, तो आगे MTS का एग्जामिशन चल रहा है, आपको उसमें थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। जिनका माली अभी इस 10 दिन में एग्जामिशन नहीं है, ठीक है, आगे एग्जामिशन है, मतलब 30 तारीख से एग्जामिशन स्टार्ट, माली शुरू के 10 दिन में आपका एग्जामिशन नहीं है, आगे आपका एग्जामिशन है, आपको वहाँ पर बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के है, और आप ऐसा तो है ना कि आप इस बार प्रीलिम्स या फिर मेंस दे लिए उसके बाद आपको जीवन में कभी कोई फॉर्म ही नहीं बनना है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर जो भी कैंडिडेट्स पेपर दे चुके हैं आप सभी अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए और अच्छे तरीके से लगिए, ताकि जो भी टाइम आपको मिले, एक एक दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक कंसिस्टेंट वे में आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। आप ऐसा ना करिए कि अगर आज आपने 6 घंटा पढ़ा तो कल फिर से यार आराम कर लेते हैं, कोई मूवी देख लेते हैं, आप इस तरह बिल्कुल भी मत करिए। 6 घंटा पढ़िए, हम ये नहीं कह रहे कि आप 10 घंटा पढ़िए, जैसे कि वैसे तो पढ़िए तो अच्छी बात है, लेकिन आप 6 घंटा ही पढ़िए, लेकिन डेली का पढ़िए, उससे आपको ये होगा। जैसे मान लीजिए आपको आज पढ़ना था पॉलिटी में, कहीं से मान लीजिए कि आप 10 लेक्चर हैं, तो 10 लेक्चर में मान लीजिए आपको 1 लेक्चर पढ़ना था, आपने आज पढ़ा, कल बंक मार दिया, परसों बंक मार दिया, अगर आप 3 दिन लगातार किए होते तो आपके 3 लेक्चर हुए होते 3 दिन में, ठीक है। अब जो है आपने 3 दिन में एक ही लेक्चर कंप्लीट किया है, तो आप चौथे दिन को आप पे बर्डन होगा कि पिछले 2 लेक्चर को हमको कंप्लीट करना है, जब कंप्लीट ही करना तो फिर इसका रिवाइज भी तो करना होगा। तो ये चीज़ में टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए आप लोग, और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए मेंस के लिए, और CHSL मेंस जिसका है वो भी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें, क्योंकि CHSL और CGL लगभग लगभग जिनने आप CHSL मेंस पे अच्छी तैयारी कर ली उनके लिए मेंस जो है CGL का भी आसानी रहेगा। तो आप सभी के नेट से फिर मैं कहूँगा कि आप इस तरह के कमेंट में बिल्कुल भी परेशान ना हो या फिर इस चीज़ के डाउट में भी मत रहिए कि मेरा होगा नहीं होगा, तो जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन आप एक बार प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे तो वो चीज़ें आपके लिए बेनिफिट होने वाली है, ठीक है। बाकी अगर आपने SSC GD 2024 का अगर फॉर्म फिल नहीं किया है, सॉरी 2025 का अगर फॉर्म फिल नहीं किया, तो उसको फिल कर लिए जिसका फॉर्म फिलअप चल रहा है, और उसकी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करिए, कोई प्रैक्टिस सेट लीजिए। मैं एक रिकमेंड करूँगा चक्षु पब्लिकेशन की बुक है, जो बेस्ट बुक है आपके प्रिपरेशन के लिए। देखिए आप कंटेंट कहीं से भी पढ़िए, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भी तब तक आपकी चीज़ें अच्छी नहीं होने वाली है। तब चक्षु पब्लिकेशन की बुक जरूर बाय कर लिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आगे मैं बुक के बारे में भी डिटेल में बता दे रहा हूँ। थैंक यू। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं SSC GD 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है, और इस बुक में जो है 2024 के सारे प्रश्न इंक्लूड कर दिए गए हैं, और इसकी जो है हर सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज भी बुक आती है, आप सभी इसको लेकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि SSC में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कितने इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, तो ये बुक आप कहीं से भी परचेस कर सकते हैं। जैसे नीचे आप देख पा रहे हैं chakshubooks.com, ये जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, स्नैपडील से, यहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा जो है दिखा देता हूँ कि किस तरह इनकी बुक है, ठीक है। आप सभी देख पा रहे होंगे ये SSC GD की मैथ की जो है इसमें चैप्टर वाइज दी गई हैं,
आप सभी इसमें क्या क्या मिल जाएगा, 7500 बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाएंगे और अच्छे तरीके से इसमें 2024 के, 2023 के, 2021 के सभी ईयर के जो है प्रश्न इसमें इंक्लूड किए गए हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे हर सब्जेक्ट की देखिए चैप्टर वाइज यहाँ पे सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं, इसको आप लेके चैप्टर वाइज प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं, ठीक है। कितने बेहतरीन तरीके से दिया गया है इसको भी आप सभी देख सकते हैं। तो इस बुक को ज़रूर आप परचेज़ करिए और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है जहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू।